हे hey, विद्यार्थियों वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है द्रोण स्कूल में। नवोदय विद्यालय का रिजल्ट निकल चुका है, ये बात आप सभी को पता होगी। अगर आपने अभी भी अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि आप इस वेबसाइट पे जाइए। मैं वेबसाइट बताता हूँ, वेबसाइट है NVSA Admission ADMISSION CLASS6.IN। आप एड्रेस ध्यान से देख लीजिए, इस वाले वेबसाइट पे जाइए और इस पे आप देखोगे। मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, जरा टाइम लग रहा है लोड होने में। हाँ देखो, ये रही वेबसाइट आपके सामने। इस पे आप देखोगे, ध्यान दो बच्चों, ये लिखा हुआ है क्लास सिक्स कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये वही वेबसाइट है जिसपे आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यहीं पर रिजल्ट आ गया है। देखो ये जो पासवर्ड, ये जो आप देख रहे हो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ये लॉगिन का सेक्शन जो है उससे कोई आपको मतलब नहीं है, क्योंकि रिजल्ट इसमें नहीं शो होगा। रिजल्ट यहाँ ऊपर शो होगा, ये देखो, क्लिक हियर टू व्यू द रिजल्ट, यहाँ से आप रिजल्ट देख सकते हो। इस पे जब आप क्लिक करोगे, इस वाले लिंक पर, क्लिक हियर टू व्यू द रिजल्ट, तो एक नया पेज आपके सामने खुलेगा। थोड़ा वेट करो, नया पेज खुलने वाला है। हाँ देखो, ये रहा आपके सामने वो पेज, यहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। चलो ये देखो, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ रहा है एंटर द एग्जाम रोल नंबर टू व्यू रिजल्ट। इस वाले बॉक्स में आप अपना रोल नंबर भरो तो आपको अपना रिजल्ट शो हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक रोल नंबर आपको दिखा देता हूँ, 3364334। देखो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट रहा। ये देखो जी, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने रिजल्ट। ये है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो लिखा हुआ है, राशि इज प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू क्लास सिक्स इन JNV उत्तरकाशी स्टेट उत्तराखंड। ओके, तो जो भी लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये सिलेक्शन का रिजल्ट आप देख सकते हो। राशि, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। लेकिन रुकिए जरा, उन बच्चों का क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है? जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग फिक्र ना करें अभी, क्योंकि सेकेंड लिस्ट भी आती है। सेकेंड लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट जिसको बोलते हैं, वेटिंग लिस्ट, वो भी निकाली जाती है। कब निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है और क्या क्राइटेरिया होता है, इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है नवोदय विद्यालय में। जो एडमिशन होता है वो कैसे होता है नवोदय विद्यालय में। आपको पता होगा कि एक एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक नवोदय विद्यालय होता है और हर एक JNV में 80 सीटें खाली होती हैं। ये 80 सीटें नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा हर साल भरी जाती हैं, है ना। तो जितने भी 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें आपने रिजल्ट में देखा था कि लिखा हुआ था प्रोविजनली सेलेक्टेड, मतलब अभी पूरी तरह से उनका एडमिशन हो जाए ये आप कह नहीं सकते हो। कुछ कारणवश एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। वो कारण क्या क्या होते हैं? पहली बात तो आप समझ लीजिए कि किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा अगर हो, किसी भी तरह की धोखाधड़ी टाइप की चीज हो, तो इस वजह से एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। तो ये तो पहला वो हो गया, पहला जो कारण हो गया फर्जीवाड़ा। दूसरा होता है ओवर एज का, अगर बच्चा ओवर एज या फिर अंडर एज है, मतलब उम्र अगर उसकी ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, उस केस में भी रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा कोई मेडिकल कंडीशन, यानी कि तीसरा केस ऐसा होता है कि सपोज कीजिए किसी बच्चे ने अपना मेडिकल लगाया हुआ था, यानी कि वो PH कैटेगरी से, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से फॉर्म भरा हुआ था, जबकि उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो उसका भी एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से कई सारे कारण हैं जिनके वजह से एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है कुछ बच्चों का। तो होता क्या है, इन 80 बच्चों में से कुछ का रिजेक्ट हो जाता है। तो कुल मिला के मान, तो आप मानो कि अगर 3-4 बच्चों का रिजेक्ट हो गया, तो ये 3-4 सीटें जो है ना, ये खाली बच जाती हैं, और इन्हीं सीटों को ये भरा जाता है वेटिंग लिस्ट से। वेटिंग लिस्ट इसको बोलते हैं, सेकेंड लिस्ट भी कई लोग बोलते हैं इसको। वेटिंग लिस्ट से इन सीटों को भरा जाता है। चलिए जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो वेटिंग लिस्ट है ये कब आती है। देखिए अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, तो वेटिंग लिस्ट मेन रिजल्ट जो अभी आज निकला है, मेन रिजल्ट निकलने के आप मान के चलिए कि 2 महीने के अंदर अंदर आ जाती है। 1 से 2 महीने का वक्त लगता है ये, इसके अंदर अंदर वेटिंग लिस्ट आ जाती है। तो अभी के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है, जिनका भी रिजल्ट मतलब सही नहीं आया है, जो भी लोग फेल हो गए हैं उनके लिए अभी क्या सोल्यूशन है कि वेटिंग लिस्ट के इंतजार करने के चक्कर में आप ये मत करना कि किसी भी स्कूल में एडमिशन ना लें। आप एडमिशन ले लेना किसी स्कूल में, क्योंकि पढ़ाई आपकी खराब होगी अगर वेटिंग लिस्ट निकलने में देरी होती है, तो आप किसी स्कूल में एडमिशन ले लेना
और बाकी वेटिंग लिस्ट का इंतजार करिएगा, वेटिंग लिस्ट में होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नवोदय में एडमिशन हो तभी आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई तो आपको करनी ही है, अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। और दूसरी बात, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि आपका देखिए रिजेक्शन ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से तैयार करके रखें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में मैं एक वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से बात करने वाला हूँ, तो जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। अगली वीडियो हम लेकर आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, प्रोसीजर्स के ऊपर, और भी तमाम तरह की जानकारी हम अपने अगले वीडियोस में देंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाना। और दूसरी बात ये कि हम इस चैनल पर रेगुलर कोचिंग कराते हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की, रेगुलर कोचिंग हम करा रहे हैं इस चैनल पे। और इसके लिए आप ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना, आपकी फैमिली में जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे होंगे उनके साथ ये चैनल शेयर करना, वीडियोस आप दिखाते रहना रेगुलर। अगर आपको लगता है कि नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का एक बटन आपको हमारे चैनल के नीचे दिख रहा होगा, वो ब्लू कलर का बटन होगा ज्वाइन करके होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम करते क्या हैं कि रेगुलर हम होमवर्क्स बच्चों को देते रहते हैं, पीडीएफ्स अपने जो नोट्स होते हैं द्रोण स्कूल के वो हम बच्चों को प्रोवाइड करते रहते हैं, ऑन डिमांड वीडियो भी हम बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। अगर बच्चे को किसी वीडियो में डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो हम लाइव स्ट्रीमिंग करके डाउट भी क्लियर करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हम उस ज्वाइन बटन के अंदर देते हैं, उस ज्वाइन जो फैसिलिटी है, ज्वाइन फैसिलिटी उसके अंदर हम देते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन तो है ही, चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहिएगा इसी तरह के अपडेट्स के साथ और इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स के साथ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।